हिकमत की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। रहमान रहीम, अलकड़ हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। आज हमारा जो है सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का। फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिए थे, पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 हमने पढ़ लिए था, वर्ड मीनिंग भी देख लिए थे। आज हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है। पहले हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, फिर जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है उसके बारे में बात करेंगे। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन है आलूदगी की इकसाम। पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ। पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ। आलूदगी जिंदगी के लिए एक ख़तरा है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। आलूदगी की बहुत सी इकसाम है। नंबर 1 पे है जी एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी या फ़िज़ाई आलूदगी कहते हैं। एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम। फ़िज़ाई आलूदगी एक मसला है, पार्टिकुलरली खासतौर पर फॉर द पीपल, लोगों के लिए लिविंग इन लार्ज सिटीज़ जो बड़े शहरों में रहते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी खास तौर पर उन लोगों के लिए मसला है जो बड़े शहरों में रहते हैं। और इन द सिटीज़ या शहरों में, वेयर देर आर मैनी इंडस्ट्रीज़ या शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा सनतें होती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी खास तौर पर उन लोगों के लिए एक मसला है जो शहरों में रहते हैं या उन जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा सनतें होती हैं। वेयर देर आर मैनी इंडस्ट्रीज़, जहाँ बहुत सारी सनतें होती हैं। द एयर अबाउ सच प्लेसिस इज हेवनली लेडन विद डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेज एंड ऑफेंसिव ऑडर्स। द एयर, हवा, अबाउ सच प्लेसिस, ऐसी जगहों के ऊपर की हवा इज हेवनली बुरी तरह से लेडन लदी होती हैं या अटी होती हैं। लेडन अटी होती हैं विद डस्ट, गर्द से, स्मोक, धुएँ से, पॉइजनस गैसेज, जहरीली गैसों से एंड ऑफेंसिव ऑडर्स, और नागवार बदबू से। द एयर अबाउ सच प्लेसिस इज हेवनली लेडन विद डस्ट, स्मोक, पॉइजनस गैसेज एंड ऑफेंसिव ऑडर्स। ऐसी जगहों की ऊपर की हवा गर्द, धुआं, जहरीली गैसें और नागवार बदबू से बुरी तरह अटी होती हैं। इट अफेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये पौधों और इंसानों की ज़िंदगी को बिलावास्ता और बलवास्ता मुतासर करती हैं। इट अफेक्ट्स, ये मुतासर करती हैं बोथ प्लांट्स, पौधों को, एंड ह्यूमन लाइफ और इंसानी ज़िंदगी को, डायरेक्टली बिलावास्ता एंड इनडायरेक्टली बलवास्ता। ये इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी को बिलावास्ता और बलवास्ता मुतासर करती है। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी कैन बी कंट्रोल्ड, काबू पाया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस, ख़ास आलात इस्तेमाल कर। फ़िज़ाई आलूदगी पर ख़ास इस्तेमाल करके इन द फैक्ट्रियों में ख़ास आलात इस्तेमाल करके, टू रिमूव द पॉइजनस गैसेज फ्राम द फार्म्स, धुएँ से जहरीली गैसें ख़त्म करके, रिमूव हटाकर या ख़त्म करके पॉइजनस गैसेज, जहरीली गैसें फ्राम द फार्म्स, धुएँ से। फ़िज़ाई आलूदगी पर ख़ास आलात इस्तेमाल करके और फैक्ट्रियों में ख़ास आलात इस्तेमाल कर और धुएँ से जहरीली गैसें खारिज करके, बिफोर रिलीजिंग दैम इन टू द एटमोसफेयर, यानी इसको हवा में छोड़ने से पहले काबू पाया जा सकता है। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव पॉइजनस गैसेज फ्रॉम द फार्म्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन टू द एटमोसफेयर माहौल। फ़िज़ाई आलूदगी पर फैक्ट्रियों में ख़ास आलात इस्तेमाल कर और इसमें से जहरीली गैसें खारिज करके हवा में छोड़ने से पहले इस पर काबू पाया जा सकता है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोयल एंड अदर फूसल्स। कोयले और फूसल की बजाय गैस, इलेक्ट्रिसिटी और एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एनर्जी के दूसरे ज़राए को इस्तेमाल करना चाहिए। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड
गैस को, इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज, इस्तेमाल किए जाने चाहिए इंस्टेड ऑफ कोयले एंड अदर फूसल्स, कोयले और फूसल्स की बजाय गैस, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के दूसरे ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड, दरख्त लगाने चाहिए इन द सिटी शहरों में एंड टाउन और कस्बों में, दरख्त शहरों और कस्बों में लगाने चाहिए टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, फजाई आलूदगी को कम करने के लिए, दरख्त शहरों और कस्बों में फजाई आलूदगी को कम करने के लिए लगाने चाहिए। ये बेटा हमारा पैराग्राफ नंबर 4 और 5 हो गया। अब हम इस वर्ड, इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है पार्टिकुलरली, खास तौर पर, पार्टिकुलरली खास तौर पर, लार्ज बड़े, सिटीज शहरों, इंडस्ट्रीज सन्नतें, डस्ट गर्द हैवली बुरी तरह से, लेडन लदी हुई, स्मोक धुआं, पॉइजनस जहरीली, ऑफेंसिव नागवार, ऑडर्स खुशबू या बदबू। ऑर्डर्स बदबू, अफेक्ट्स मुतासिर करना, अफेक्ट्स मुतासिर करना, कंट्रोल काबू करना, स्पेशल खास डिवाइसेस आलात, रिमूव ख़त्म करना, फम्स धुआं, एटमॉस्फेयर माहौल। बेटा ये हमारा आज का लेसन था, पैराग्राफ नंबर हमारे पास 4 और 5 जो हमने कम्प्लीट कर लिया और वर्ड मीनिंग देख लिए। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर से पहले उसके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।